हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूम में थे यानी कि एम पी के टेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो अभी तक हम लोग चौदह टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं ये आपका पंद्रहवा टेस्ट है कौन सा पंद्रहवा याद रखिए अगर आपने अभी तक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ नहीं पढ़ा है चैप्टर बाई चैप्टर तो पहले वह से जाकर पढ़ लें उसके बाद अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको बेहतर और बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा ठीक है तो हम लोगों ने भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया हुआ है आपका जो फास्ट रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपका सत्तर घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है एक तो उसमें पूरा आपका मध्य प्रदेश ज्ञान कवर किया हुआ है और उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फिर चाहे पी के लिए हो फिर चाहे कोई भी स्टेट आपका एग्ज़ाम हो तो वहाँ जाकर देख लें ठीक है चलिए पंद्रहवें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं खपड़ी पानी पहाड़ किस ऐस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है खपड़ी पानी पहाड़ किस ऐस्क के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका बॉक्साइट क्वेश्चन नंबर एक में आपका क्या होगा डी फिर आपका दूसरा क्वेश्चन देश में मध्यप्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है देश में आपका जो मध्य प्रदेश है किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपके मध्य प्रदेश में तांबा और हीरा मुख खनिज उत्पादक है ठीक है तांबा और हीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपके मध्य प्रदेश में ठीक है फिर आपका तीसरा क्वेश्चन दूसरे में आपका डी है पहले में आपका डी है तीसरा है आपका मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट के भंडारण वाला जिला नहीं है जो आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं प्रदेश में ग्रेनाइट के भंडारण वाला जिला नहीं है पन्ना है आपका टीकमगढ़ भी है छतरपुर भी है लेकिन सहडोल नहीं है क्या है सहडोल नहीं है तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका डी होगा क्या होगा डी ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन चार मार्बल के सर्वाधिक उद्योग उद्देव। उद्योगों वाला जिला है मार्बल के सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला है ये आपका कटनी ए ऑप्शन सही है चार में चार में क्या होगा ए पांच मध्य प्रदेश में हीरे की खोज हेतु अधिकृत कंपनी नहीं है मध्य प्रदेश में हीरे हीरे की खोज हेतु अधिकृत कंपनी नहीं है तो इसमें आपकी रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है रियो टू है डी वी एर्स कंपनी है और एन एम डी सी भी है लेकिन उसमें क्या होगा ए क्या होगा रिलायंस इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर पांच में आपका ए होगा क्वेश्चन है हमारा छठवा क्या है क्वेश्चन राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पाद से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है मध्य प्रदेश राज्य में किस खनिज के उत्पाद से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है यह है आपका कोयला क्या है कोयला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है साथ विदेश को किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है विदेश को यानी कि मध्य प्रदेश को किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है डायसपुर पायरोफ्लाइट में है तामास्क में है फायर किले में है लेकिन डाइसपुर में नहीं है तो साथ में क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर सात में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगला क्वेश्चन है आपका आठ क्या है मध्य प्रदेश का रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का रॉक फॉस्फेट फॉस्फेट के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है तो आपका मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है किस पर द्वितीय स्थान पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा फिर आपका क्वेश्चन नौ हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश यानी कि आपके राज्य का देश में कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान पर है यानी कि हीरा उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है ठीक है नौ में आपका ए क्वेश्चन है आपका दस क्या है पोटरीज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर दस में क्या होगा ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन है हमारा ग्यारह ताम एसके के के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है ताम एसके के उत्पादन में आपके मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ग्यारह में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बारह मध्य प्रदेश में यूरेनियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं मध्य प्रदेश राज्य में यूरेनियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो ये आपके शहडोल में मिले हैं बारह में आपका ए बारे में क्या होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा तेरह ग्रेफाइड का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है ग्रेफाइड का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है तो यह आपका बैतूल में कहाँ बैतूल में तेरह में आपका सी होगा तेरह में क्या होगा सी क्वेश्चन है हमारा चौदह मध्य प्रदेश जिप्सम कहाँ मध्य प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जिप्सम कहाँ पाए जाते हैं तो जिप्सम आपका सहडोल में और रीवा दोनों जगह पाए जाते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर चौदह में आपका ए होगा ए बी दोनों होंगे यानी कि सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन है हमारा पंद्रह क्या है हिनौता एवं मजगवा किस लिए प्रसिद्ध हैं तो ये आपकी हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध हैं पंद्रह में आपका ए होगा पंद्रह में क्या होगा ए सोलह राज्य खनिज नीति दो हजार दस में शामिल है खनिज विकास निधि का गठन खनिज खनिजों के परिवहन के लिए ई परमिट की व्यवस्था बहुमूल्य धातुओं की खोज को -खो, विशेष प्राथमिकता उपयुक्त सभी तो इसमें क्या होगा तीनों सही होंगे यानी कि डी ऑप्शन सही होगा याद रखिए अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर किया हुआ था तो वो सात से छः से सात घंटे का करीब एक लेक्चर है उसमें जाके देख लें जो भी आपका अपडेट हुई है नई खनिज नीति आई है उसे भी वहाँ कवर किया गया है कुछ अच्छे पॉइंट वहाँ दिए गए हैं आपके मध्य प्रदेश से राज्य से संबंधित तो वहाँ जाकर देख लें वो भी आपका सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से जो प्ले सूची है उसी में मिल जाएगा ठीक है पाँच छः घंटे का है जाकर देख लें आराम से पूरा कवर किया हुआ है सत्रह क्या है क्वेश्चन सत्रह लोह एस्क के संचित भंडार की दृष्टि से देश में मध्य का प्रदेश का, का कौन सा स्थान है पांचवा। लोह एस्क के संचित भंडार की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पांचवा। सत्रह में आपका डी होगा सत्रह में क्या होगा डी अठारह निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण विशिष्ट सेल समूह के द्वारा निर्धारित किया जाता है सेल समूह का वितरण राज्यों में समान राज्य में समान नहीं है सही है प्रदेश में इसी कारण खनिजों का वितरण असमान है ये भी सही है यानी कि अठारह में आपका डी होगा उपयुक्त सभी अठारह में क्या हो डी उन्नीस अगला क्वेश्चन है आपका उन्नीस मध्यप्रदेश किस क्षेत्र का मध्यप्रदेश में किस क्षेत्र का तांबा उत्तम कोटी का माना जाता है मलाजखंड ये यह आपका चर्चा में भी रहता है तो उन्नीस में आपका ए होगा उन्नीस में क्या होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन है हमारा बीस मध्य प्रदेश में टॉल्स सैल का उत्पादन किया जाता है जबलपुर में कहाँ जबलपुर में मध्य प्रदेश में टॉल सेलखड़ी का उत्पादन किया जाता है जबलपुर में क्वेश्चन है आपका इक्कीस कौन सा खनिज बोलफ्राम के रूम में पाया जाता है यह है आपका टंगस्टन इक्कीस में आपका डी इक्कीस में क्या होगा डी बाईस राज्य में कैल्साइट का प्राप्ति स्रोत है वड़वानी क्या है वड़वानी बाईस में आपका बी होगा तेईस विदेश में गेरू का प्राप्ति स्रोत है यह आपका सतना विदेश में गेरू का प्राप्ति स्रोत है सतना तेईस में आपका बी होगा चौबीस क्या है चौबीस में सम्मिलित करना है हमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है अभ्रक बालाघाट कोरंडम या आपका सीधी एंडे लुसाइड चांदपुर नगर टेन बैतूल तो क्वेश्चन नंबर चौबीस में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा चौबीस में क्या होगा ए पच्चीस मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिले हैं ये आपके दतिया में मिले हैं मध्य प्रदेश में किस ज़िले में शीशे के भंडार मिले हैं दतिया में क्वेश्चन है हमारा सत्ताईस मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किस किन जिलों में पाया जाता है तो ये आपका बालाघाट छिदवाड़ा ज़िले में कहाँ बालाघाट छिदवाड़ा ज़िले में बालाघाट और छिदवाड़ा में यानी कि सत्ताईस में आपका बी होगा तो चलिए ये था आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपका पंद्रहवा टेस्ट अगली क्लास में हम लोग सोलहवीं टेस्ट के बारे में बात करेंगे